सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। महिला ने उस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने गांव की सड़क बनवाने की मांग की है। महिला ने वीडियो में नरेंद्र मोदी को सड़क की हालत भी दिखाई है और अपनी परेशानी भी बताई है। अग्निवीर मामले में राहुल गांधी के बयान पर पहले भारतीय सेना ने अपना बयान जारी किया था, वहीं अब इस मामले में अजय के पिता का भी बयान सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले हमें ICICI बैंक से 50 लाख बीमा राशि मिली, फिर हमें सेना से 48 लाख रुपए मिले, अभी तक हमें पूरे राशि नहीं मिली है। सेना ने हमें बताया है कि वे हमें 60 लाख रुपए देंगे, हालांकि हमें अभी तक वह राशि नहीं मिली है। झारखंड के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। इसी क्रम में झारखंड की राजधानी रांची के कई हिस्सों में 5 और 6 जुलाई को अच्छी बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड के कई हिस्सों में अगले 48 घंटों में बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम स्वदेश लौटी। भारत पहुंचने के बाद सभी खिलाड़ियों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने रोहित शर्मा से पूछा कि मिट्टी का स्वाद कैसा था। इस पर रोहित शर्मा ने जवाब दिया, उस स्पीच ने हमें ट्रॉफी दिलाई, मैं उसका स्वाद लेना चाहता था। विपक्ष के हंगामा के बीच मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को विधानसभा में वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश कर दिया है। यह बजट पिछले साल के मुकाबले 16% अधिक है, क्योंकि यह बजट पूरे 3.65 लाख करोड़ रुपए का बजट है। बता दें कि इस बजट में पेट्रोल डीजल पर कोई अतिरिक्त राहत नहीं दी गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाथरस जाकर हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की और अपने को खोने पर दुख जताया। हाथरस कांड में पहला एक्शन हुआ है, जिसमें 6 सेवादार गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर, जिस पर 1 लाख का इनाम, वह अभी भी फरार है। ब्रिटेन आम चुनाव में उम्मीदों के अनुरूप मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है। शुरुआती नतीजों में लेबर पार्टी 166 सीटें जीत चुकी है, जबकि सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी अभी तक सिर्फ 28 सीटें ही जीत पाई है। लिबरल डेमोक्रेट्स ने अभी तक 16 सीटें, SNP ने 2 सीटें और रिफॉर्म UK ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि ग्रीन पार्टी का अभी तक खाता भी नहीं खुला गया है। अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलने पर चिंता जताते हुए 150 से अधिक वकीलों ने गुरुवार को भारत के प्रधान न्यायाधीश CJI की वाई चंद्रचूड़ को एक ज्ञापन भेजा है। CJI को दिए गए ज्ञापन में वकीलों ने कहा कि मामले की सुनवाई कर रहे जज ED और CBI के मामलों में जमानत का अंतिम रूप से निपटारा नहीं कर रहे हैं। दुनिया जीतकर चैंपियंस गुरुवार को वतन लौट आए। 13 साल के बाद भारत ने क्रिकेट का कोई विश्व कप जीता। यही कारण है कि टीम इंडिया का दिल्ली से तो मुंबई ने मोहब्बत से स्वागत किया। फैंस का ऐसा जज्बा देख वर्ल्ड चैंपियन से सभी को धन्यवाद कहा। उत्तराखंड में आज सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में अगले 4 दिन प्रदेश भर कई दौर की तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं कुमाऊं क्षेत्र के जिलों में भारी बारिश होने के आसार हैं। उत्तराखंड में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए कि सरकारी तकनीकी संस्थाओं के छात्रों का अधिक संख्या में कैंपस प्लेसमेंट कराया जाए। ब्रिटेन चुनाव में करारी हार के बाद ऋषि सुनक ने कहा कि मैं माफी मांगता हूं और इस हार की जिम्मेदारी लेता हूं। ऋषि सुनक ने कहा कि लेबर पार्टी ने इस चुनाव में जीत हासिल की है और मैंने कीर स्टार्मर को फोन कर उनकी जीत पर बधाई दी। नोएडा के सेक्टर 32 में स्थित लॉजिक्स मॉल के एक शोरूम में आग लग गई है। आग लगने के पूरे मॉल में धुआं भर गया है। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश में लगी है। आनन फानन में पूरे मॉल को खाली कर लिया गया है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया पर 7 जुलाई को निकलने वाले इस्कॉन मंदिर की रथ यात्रा की तैयारी जोरों पर है। उज्जैन इस्कॉन PRO राघव पंडित दास ने बताया कि इस बार एक नवाचार किया गया है, जिसमें भगवान एक नहीं अलग अलग रथों पर निकलेंगे। दामोदर शहर में पहला बारात घर बनकर तैयार हो गया है। 52 लाख रुपए की लागत से तैयार इस बारात में 6 बड़े कमरे, एक हॉल सहित महिला व पुरुषों के लिए अलग अलग टॉयलेट है। इसके सामने करीब आधा एकड़ जगह में चोरों ओर बाउंड्री वॉल बनाई गई है, जहां पर शादी विवाह के टेंट सहित अन्य आयोजन के लिए पर्याप्त जगह है।